येलो आ रहा है, बोले एक RHS है बंदा ब्लॉगर, ठीक है, ये बिलाल भाई वीडियो वाली सरकार, उन्होंने मैं बुक ले ली है, तो यहाँ पे डोनेट का भी सीन है, बाय 3 टिकट गेट 1 फ्री, मतलब की चीज नहीं है, मैंने ब्लॉगिंग का पूरा सेटअप लेना था। Hello friend, assalamu alaikum, welcome back to my new vlog. To turn the tables, I can do this. Just keep moving, keep your hands up, stupid. I feel lucid, a new view in. I can see the end, I can see my future, I can view it. It's right there for the taking. Everything I've ever wanted, dreams are just waiting. I just gotta fight for it, willing to die for it, willing to like soreness, I just need to hike for it. यार आज जो है दराज का कंसर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सामान वगैरह जो है 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो उसके लिए जो है मैं और बाबा यहाँ पे ब्लॉग बनाने हैं। बाहर बहुत सख्ती है, अंदर आने नहीं दे रहे। एक हमें फैमिली मिली है, उनके थल्ले मारे हैं, पैरी पैरी है, मंगे मेरे खाने की आपके अंदर ले जाओ। और बाबा भाई भी मंगते बन गए, ये सारी मेहनत जो है बाबा भाई ने की है एंट्री की। तो अभी जो है हम लोग अंदर आ गए हैं, तो ये सामने का सीन है। और मौसम आने से पहले इतनी गर्मी थी यहाँ पे, से कितना था, पर अब जो है यहाँ पे मौसम फुल स्मैक्सी, मिट्टी मिट्टी इस टाइम हुए हैं। अंदर जो आके देखते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे जब अंदर का सीन स्टार्ट होता है। बाकी हवा फुल तेज चल रही है, कितनी खिंची जा रहा है। तो यार अभी मैं जो हूँ फ्रेश हो गया हूँ, मेरा पूरे फेस देख सकते हो गीला हुआ है। बाकी यार बाद साहब जो है यहाँ पे फ्रेश हो रहे हैं, मुझे अपनी ताओ का आ रहे हैं, राठौर विक्रम राठौर वो सीन हो रहा है। इतनी हवा कि कोई हद नहीं, ऊपर से गड्ढा, हाँ सारा गड्ढा सारा सिस्टम हो रहा है। अब बस यहाँ से फ्रेश हो गए ना, फिर चलते हैं बस। तो यार ये विंटर लैंड का यहाँ पे लगा हुआ है, जो बैरियर टाउन के अंदर ओपन हुआ है, बाय 3 टिकट गेट 1 फ्री, ठीक है। अगर अरबाज साहब हम तीनों अगर आते हैं, तो मैं और बाकी देखेंगे इधर का भी कोई सीन बनाते हैं। अभी फिर जो है ना द्रास का जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं, ये कोई सीन है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर चले तो जाते हैं, फिर बैरिया में भी एंट्री का मसला होगा, वो हम करा लेंगे गाड़ी पे करा। जिस तरह यहाँ पे जो है मशीनरी वगैरह पड़ी हुई है, हाँ भी ऐसे एग्जीबिशन में रख रहा था, ये यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, बाकी आगे देखते हैं। यहाँ पे डोनेट्स का भी सीन है, जो एसी वगैरह एसी वगैरह, और यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह भी लगे हुए हैं, डिस्काउंट मिल रहा है। क्या करें यार, तुम्हारे भाई ने फाइनली मैकबुक ले ली है, तो ये जो है एक टी शर्ट तुम्हारे भाई को पड़ी है, ये ले ली हुई है, अब जरा हैप्पी सीन हो जाएगा। बाकी देखते हैं इसको कब ये हमें मिलती है, हमारे हैंड ओवर में बाकी चला के सारा कुछ चेक कर दिया। यार हम दूसरी साइड में हैं, पता चला कि यहाँ पे भी सीन है, वहाँ पे लगे थे कुछ है ही नहीं, तो अभी यहाँ पे कुछ सीन है ये, तो देखते हैं कुछ समझ आता तो कुछ चीज़ भी करते हैं। अरेंजमेंट यहाँ पे है नहीं है, ठीक है, अभी सारा कुछ चेक किया, तो मतलब की चीज़ नहीं है, मैंने ब्लॉगिंग का पूरा सेटअप लेना था, मैकबुक तो मैंने ले ली है, पर ब्लॉगिंग का एक सेटअप लेना था वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बाकी स्पीकर वगैरह है हमारे, मतलब की लड़कों की स्कूल भी नहीं है, बाहर से पीछे गैप हो गए हुए हैं, तो बाकी देखते हैं क्या सीन, मतलब बाहर भी कंसर्ट होना है, तो चलते हैं अभी बाहर। कितने बाइक फिर भाई साहब, सब काम ठंडा ठंडा ही है, कुछ इतना खास नहीं है, चले बाहर चलते हैं। भाई इन्होंने कहा था कि फूड स्टॉल भी लगेंगे, पर वो भी सही। भैया दराज वालों ने सब कुछ है ना खराब किया है, क्या खराब किया है जी, इन्होंने कहा था जी फूड स्टॉल लगे हुए होंगे, फूड स्टॉल एक भी नहीं नजर आया, मैंने पूरी वीडियो बनाई है, कोई एक फूड स्टॉल नहीं नजर आया, कि खाने पीने की चीजें होंगी कोई भी नहीं थी, ठीक है, जूस थे, ठीक है, जूस भी ठंडे नहीं थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इन्होंने कहा था जी कंसर्ट होगा, कंसर्ट भी कोई नहीं हुआ, ठीक है, पीछे हम लोग गए थे, लाइट वगैरह सब कुछ ऑफ है, कोई कंसर्ट वगैरह नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, एक RHS है बंदा ब्लॉगर, ठीक है, उसने कहा था जी मैं आऊंगा, वो भी नहीं आया। यार भाई ने कहा लोग में लोग बचा पार्टी थी, तो उन्हें लोग ले लिया। तुम बात कर रहे थे जी RHS साहब ने कहा था जी मैं आऊंगा, उसने कहा जी सारे आना मिलेंगे, कोई सीन नहीं है, ठीक है। वो उस बंदे को अगर उसने लगाया कि सारे आना मिलेंगे, तो उसे ये भी बताना चाहिए था कि भाई फैमिली इवेंट है, वैसे फैमिली लड़के वगैरह नहीं आ सकते, हम खुद बड़ी मुश्किलों से अंदर आए हैं, मैं आपको सीन दिखाऊंगा कुछ, ठीक है। ये जो सीन दिखाया करेगा, तो पूछ रहा हूँ गाड़ियों वालों से कि भाई हमें बैठा कर आप इजीली अगर अंदर ले जाते हो आपकी मेहरबानी होगी, ये अगर इसने कोई शो किया ना, यार शो नहीं मैं करूंगा, जैसे पिक्चर यूं करके यूं मैं ले जाऊंगा, बस सिर्फ यूं करूंगा, ठीक है। बाकी यार हाथ चेंज कर ले, मेरा हाथ थक गया,
एक वीडियो वाले सरकार है बिलाल भाई, उन्होंने कहा था जी मैं आऊंगा, वो भी नहीं है। तो क्या अब चलते हैं यहाँ से बाहर और कुछ खाने पीने को देखते हैं क्या करते हैं, आपको पता चलता होगा। तो यार ये हम आए थे यहाँ पे मोबाइल ठीक करवाने के लिए बाप भाई का, तो ये यहाँ पे 12:40 थोड़ी तेज हो रही है और बाप साहब से खा रहे हैं जी दो जिंगर बर्गर यहाँ से आए। तो दूसरा ये सीन है जी, यहाँ पे अरबाब भाई इसके साथ बर्गर खा के अरबाब भाई को यहाँ पे सुटना है, यहीं पे साथ घर है सीधा घर। तो यार ये आ गए हैं बर्गर, तो बर्गर वगैरह खाते हैं फिर जल्दी से। यार हमने जो है खाना पीना अपना कर लिया, बर्गर खा लिया, अरबाब भाई इधर से अरबाब भाई को डाली इधर से खा लिया, पेमेंट वगैरह कर दी है। दूसरा ये कि दराज हम गए थे वहाँ पे जाके जलील हुए हैं, फायदा कोई नहीं है, कोई फायदा नहीं हुआ। कसम से हम गए हैं, हवा इतनी तेज चली है वहाँ पे सारा सीन, इतनी मुश्किल से हम घंटा वेट किया अंदर जाने के लिए, मुश्किल से अंदर गए हैं, कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं, मेरा जलील हुए हैं। अब आप लोग देखोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हंसते रहो हंसाते रहो खुशियाँ बांटते रहो, मिलते हैं जल्दी जल्दी, मौका भी लाभ। I said I'm unfeeling.